श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। जो आप यहाँ कार्यक्रम करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा काम, ये आपका एक परिवार है। तो परिवार में प्रेम रहता है तो परिवार आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है और सब कार्य आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक तो आपसे निवेदन करता हूँ कि ये परिवार आपका है, ये फैक्ट्री किसकी है? आपकी है। और आप किसकी हैं? फैक्ट्री के। दोनों का, जैसे परिवार में माता पिता, बहन भाई, दादा दादी, सब एक परिवार में रहते हैं, ऐसे ही आपका बड़ा परिवार है, आप सब मिलकर के रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो अभी आपको ध्यान सिखाया गया, उस ध्यान साधना को सीखेंगे तो उनके चित्त में निर्मलता आएगी, शुद्धता आएगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सभी धर्मों में ध्यान को अधिक महत्व दिया, महावीर ने आत्म ध्यान को महत्व दिया है। हमारे शरीर और आत्मा दो हिस्से हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। हमने आज तक शरीर को महत्व दिया, शरीर का मतलब है पांचों इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, मुख, हाथ और मन, बुद्धि, विचार, ये सारा शरीर है। और शरीर के भीतर एक आत्मा है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका स्पर्श नहीं, जिसके माता पिता नहीं, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, पर वो है, अटल है। यदि आत्म तत्व निकल जाए तो सांस ले पाओगे, देख पाओगे, भोजन चपा पाओगे, फैक्ट्री में काम कर पाओगे, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो आपने कमाई की सब किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी फैक्ट्री किसी और के नाम चली जाएगी। पर आज तक हमने क्या किया? शरीर को महत्व दिया, भोजन खाया, बाहर घूमने गए, पिक्चर देखी, धन कमाया, संबंध बनाए, परिवार बनाया। ऐसा हम यही नहीं कहते कि तुम करो, पर उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। आपने महत्व किसको देना है? आत्मा को। और आत्मा इसमें कुछ भी नहीं करती, आत्मा भोजन नहीं करती, आत्मा खाती नहीं, आत्मा सोती नहीं, आत्मा है, पर आत्मा की उपस्थिति में शरीर कार्य करता है। यदि आत्मा की उपस्थिति में शरीर गलत कार्य करता है तो उसको अगले जन्म में संसार में भटकना पड़ता है। जैसे लोग जो मांस खाते हैं, माया करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? नरकों में जाते हैं। जो पंचेंद्रिय का वध करता है, जो मांस खाता है, जो किसी को दान नहीं देता, अपना ही पेटी भरता रहता है, वो मर करके कहाँ जाते हैं? नरक योनि में जाते हैं। जो माया करते हैं, माया में माया करते हैं, कूड़ तोल कूड़ माफ करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पशु योनि में जाते हैं। देखिए पशु बेचारा, चाहे बैल है, गाय है, घोड़ा है, बेचारा अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ना भोजन कर सकते हैं, ना कोई दे, उसको गले से बांध दिया जाता है, ना अपने आप पानी पी सकते हैं, चाबक पड़ते हैं और कितना दुख सहन करना पड़ता है। एक मनुष्य जीवन ऐसा है जो दान, शील, तप और भावना साधना कर सकता है। देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि वो साधना नहीं कर सकते, वो धर्म नहीं कर सकते, उनके पास भोग सामग्री है परंतु वो साधना नहीं कर सकते। जैसे जमीन पैदा, बीज कहाँ उगता है? जहाँ भूमि फर्टाइल है, उपजाऊ है, गीली है। यहाँ पत्थर पर बीज डालो, उग जाएंगे? नहीं उगते। चाहे संगमरमर का पत्थर हो, इटालियन का पत्थर हो, बीज डालो तो क्या होगा? नहीं उगता। बीज उगने के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। तो हम सब मानव हैं, मानव जीवन हमें मिला दान देने के लिए, लोगों का भला करने के लिए।
तो आप सब लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे आपकी 10,000 तनख्वाह है तो 10 में 100 रुपए ही दान कीजिए। किसको देना है? जो ज़रूरत के लोग हैं, जिनके पास नहीं हैं, और मूक प्राणियों के, जैसे गाय है, कबूतर है, उनकी रक्षा कीजिए। और जो बहुत लोग गरीब हैं, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं, जिनको पास कुछ कपड़े नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा रक्षा करते चले जाइए। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मैंने अभी आपसे पूछा कि कुछ आपके बंधु वो शाकाहार नहीं मांसाहार करते हैं। पहली बात तो जो मांसाहारी है वो हमारा भोजन ही नहीं है, राक्षस मांसाहार करते हैं, मनुष्य है शाकाहारी। दूसरी बात, जो लोग अंडा कहते हैं शाकाहारी है, पर शाकाहारी तो वो है जो पेड़ पर फल लगते हैं, जैसे संतरा है, आम है, चीकू है, बादाम है, केला है, सब कहाँ लगते हैं? पेड़ पे लगते हैं, वो शाकाहारी है। तो अंडा कहाँ पैदा होता है? मुर्गी के पेट से पैदा होता है। जो पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी को इतनी जगह देते हैं, रोज़ भोजन देते हैं, अंडा निकलता है, मुर्गी अपने बच्चा पैदा करने के लिए अंडा देती है और आप लोग खा जाते हैं, कितना कष्ट होता है मुर्गी को। तुम्हारे बच्चे को पकड़ के कोई ले जाए तो तुम सहन करोगे? नहीं करोगे। नानक कहते हैं, जो सिर काटे और का अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नान का बदला कहीं ना जाए। जो किसी का सिर काटता है अगले जन्म में उसको काटना पड़ता है। एक सदना कसाई हुआ है, 2 मिनट में बात करना चाहूँगा। कसाई, किसी ने मांस कहा कि हमें पाव भर मांस चाहिए, तो कसाई ने क्या किया, सारे बकरे को काटूंगा, तो उसके पतालू काटने लगा तो बकरा हंसा। बकरे ने कहा, सदना तू नया कर्म कर रहा है, पहले तू मुझे काटता था, तू बकरा बनता था, मैं तुझे काटता था, अब तू नया कर्म कर रहा है, आज तू मेरे पतालू काटेगा, मैं रात भर तड़पता रहूँगा, तू बकरा बनेगा, मैं तेरे पतालू काटूँगा। जब बात सुनी तो उसने अपनी छुरी रख दी। जो हम कर्म करते हैं दूसरा वैसा करेगा। जो तुम खाद खाते हो, कल को तुम्हें मुर्गी बनना पड़ेगा, अंडे खाना पड़ेगा, तो आप नहीं खाएंगे। ठीक है, आज से हम संकल्प करते हैं कि मैं किसी प्रकार का नशा पता नहीं करूँगा। मैं अंडा मांस मछली इत्यादि नहीं ग्रहण करूँगा। मैं जीवन पर्यंत शाकाहारी रहूँगा। सभी बोलो, मैं जीवन पर्यंत शाकाहारी रहूँगा। मैं सबका भला चाहूँगा। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को दूंगा और दान करूँगा। देखो अपने आप बोला। आप टीवी देखते हो? देखो, टीवी देखने को मना नहीं करते। 3 समय छोड़ देना, रात को सोते समय टीवी नहीं देखना, और भोजन करते समय टीवी नहीं देखना, और कोई काम करते हुए, होमवर्क करते हुए टीवी नहीं देखना। ठीक है ना? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जैसे आप भोजन करोगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? टीवी में जाएगा। टीवी में जो एक्शन होगा, कोई डांस कर रहा है, कोई पिस्तौल किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारे संस्कार तुम्हारे भीतर भोजन में आ जाएंगे। जब तुम कोई होमवर्क करते हो बच्चों या तुम, तो वो संस्कार तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। जब आप सोने लगते हो, टीवी देखते हो, तो उस समय जो टीवी का सीन है वो रात्रि में अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे भीतर चला जाएगा। ठीक है? और पेप्सी कोला, कोका कोला जो आप पीते हैं, मैं मना नहीं करता, कभी कभी पी लो, बच्चे भी ले लें, बस इसके बताए नींबू का शरबत है, नींबू की शिकंजवी है, गन्ने का रस है, दही है, छाछ है, मट्ठा है, दूध है, दही है, वो ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो ना, तो वो लेना। कभी कभी आपका मन करे ले सकते हो, मना नहीं करता, पर मोस्टली वो चीज़ें लो। हमारे बुज़ुर्ग लोग कभी ये पेप्सी कोला, कोका कोला, कैडबरी चॉकलेट नहीं खाते थे। वो क्या खाते थे? गुड़ खाते थे। खाते थे ना गुड़, गुड़ में बड़ी एनर्जी होती है। गुड़ और चने खाओ तो घोड़े की तरह तुम दौड़ोगे। घोड़ा क्या खाता है? चने खाता है, तो तुम घोड़े की तरह दौड़ने लग जाओगे। तो थोड़ा कैडबरी चॉकलेट की बजाय बच्चों को गुड़ खिलाओ। जब तुम भोजन इतना गुड़ खा लो, तुम्हारा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, और भोजन करने के बाद छाछ पियो, सारा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा।
हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है कि गुरु के पास बैठ करके जो संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। आपको याद है महात्मा गांधी कैसे महान बने? महात्मा गांधी अपने पिता के पास बैठे थे, रात को पैर दबा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो पिता ने पूछा, मोहन क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों आ गया? तो उन्हें पश्चाताप किया, पिताजी मैं अपना प्रायश्चित करता हूँ कि मैंने आपकी जेब से पैसे चुराए, मैंने बीड़ी भी पी और मैंने एक बार मांस भी खाया। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटे, पिता ने मारा नहीं, क्रोध नहीं किया, बेटे क्या तुम दोबारा करना चाहोगे? संकल्प करो कि आगे से तुम कभी नहीं करोगे। और जिन हाथों से बीड़ी पी है उन हाथ उनसे मिठाई खिलाना किसी को, जिन हाथों से चोरी की है वो किसी से दान करना पैसे को, यदि मांस खाया है तो ज़िंदगी भर कभी मांस नहीं खाना। और महात्मा गांधी कहते हैं पिता ने जो तीन बातें कही थी ज़िंदगी भर मैंने पालन किया। और महात्मा गांधी कहाँ पहुँच गए? आज तुम्हारे पास जो नोट हैं वो किसके ऊपर छाप है बोलो, चाहे 2000 की है, चाहे 500 की है, चाहे 20 की है, 50 की है, वो गांधी का फ़ोटो ना हो तो नोट काम आएंगे? बोलो बोलो तो नहीं काम आएंगे। तो महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया, सत्य बोला, गांधी महात्मा बन गए, भारत के नहीं विश्व के बापू बन गए, और सत्य बोला उन्होंने, सत्य बोला और कह दिया पिता को, आप भी अपने जीवन में बच्चों कोई गलती हो जाए बड़ों से तो माता पिता के सामने गुरु के सामने प्रकट कर देना, तुम्हारा आभार हल्का हो जाए। गलती सबसे हो जाती है, ऐसी बात नहीं। अब गांधी ने स्वयं लिखा है कि मैंने बीड़ी भी पी, मांस भी खाया और चोरी भी की, फिर भी महात्मा बने। क्यों महात्मा बन गए? एक महात्मा पर उसने दोबारा नहीं की, संकल्प ले लिया जिंदगी में दोबारा नहीं खाऊंगा, और वो महात्मा बन गए। इसलिए आपने आज जो संकल्प किया है, जितने यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले भाई हैं, बहनें हैं, किसी प्रकार का नशा पता जो करते हैं वो कर लिया, वो सब माफ़ आपको। आज हम संकल्प करते हैं तो कभी नहीं करेंगे, वो संकल्प आप करोगे तो आपका पूरा होगा और हमारा आना सार्थक होगा। पंजाबी में कहा गया है गुरु चरणा विच, विच का मतलब मैं, पंजाबी में विच कहते हैं, गुरु चरणा में बैठ कर जो कसम जो वायदा करेंगे, संकल्प करेंगे, गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खाएंगे, जिए चाहे मरिए, चाहे जिंदा रहे चाहे मरिए, तोड़ मैंने आखिरी सांस तक उसको निभावेंगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो आपने अब संकल्प किया किया ना, गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गंडा का मतलब गांठें, गंडा प्रेम दियाँ पक्कियाँ ने, जो गांठें हम गुरु चरणों में डाली हैं प्रेम की वो पक्की हैं, कोई इसको तोड़ना भी चाहे हम इसको तोड़ेंगे नहीं बल्कि और पक्की डाल देंगे। गंडा प्रेम दियाँ पक्कियाँ ने, कोई भावें लख तोड़े, कोई लाख बार कोशिश करे तोड़ने की, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे और पक्की डाल देंगे। कोई भावें लख तोड़े, असी पाइयाँ ना कच्चियाँ, हमने कच्चा प्रेम नहीं किया, पक्का प्रेम किया है, और चाहे जिए चाहे मरिए तोड़ तक निभाएंगे। और क्या, रब रुस जाए तो रुस जाए, रब का मतलब परमात्मा, पंजाबी में रब परमात्मा को, वाहेगुरु रब और अल्लाह, मुसलमान में अल्लाह कहते हैं हम, परमात्मा कहते हैं हम, कोई कुछ कहते हैं, रब रुसदार में रूठ जाए, वो कहते हैं रब रुसदा तो रुस जाए, हमें कोई परवाह नहीं, साडा का मतलब हमारा सतगुर ना रुस जाए, रब रुसदा तो रुस जाए, हमें इसकी परवाह नहीं, परंतु साडे का मतलब हमारा सतगुर कभी भी ना रूठे, हम कभी भी अपने सतगुरु को रुठाएंगे नहीं, जो प्रेम की गांठें पाई हैं उसको और निभाएंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्मा तुम हो।
विचार आएंगे आने दें, जाएंगे जाने दें, कोई विचार अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, केवल आते जाते विचारों को जस्ट देखें और जाने। कोई विचार अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, केवल जानो और देखो। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगा है, विचार शांत होने लगे हैं, आप प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे, पूरे जगत के लिए मंगल की कामना। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही ना कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही न कोई। शोध धाराम सब खो मिले, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मनस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मनस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावितंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत, आरण शरण कोई होगा, जो भवे प्राणी उसका अजर मर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।